यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोकुल नंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुल आनंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री कार्तिक मास की जय। श्री भीष्म पंचक की जय। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापुमर्थो महान श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधर नापरः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो कार्तिक महीने में महीने के अंतिम पांच दिनों में जो प्रतिवर्ष श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में कथा है कृष्ण कथी है उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि कार्तिक महीना आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से बीता हो बीत गया हो बड़े कृष्ण भावना भावित ढंग से आपने बिताया हो ऐसी प्रार्थना करते हैं। और अब अंतिम पांच दिन बचे हैं जो इस महीने के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन कहलाते हैं तो इन दिनों में थोड़ा और विशेष रूप से अधिक जप आदि करने का हम सब प्रयास करें। तो इस बार इन पांच दिनों में जिस विषय के ऊपर मैं चर्चा करूंगा वो है श्री कृष्ण के 64 गुण। वैसे 64 गुण ही क्यों, जब श्री कृष्ण अनंत हैं, असीमित है तो फिर क्या उनके गुण सीमित रह सकते हैं? किसी असीमित जो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और जिनके किसी भी गुण के ऊपर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता, कोई सीमा नहीं रखी जा सकती, तो क्या उनके अंदर केवल 64 गुण हैं? नहीं, वैसे भगवान श्री कृष्ण के अंदर अनगिनत गुण हैं, असंख्य गुण हैं भगवान श्री कृष्ण के। जब ब्रह्मा जी ब्रह्म जब विमोहित हो जाते हैं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 13वें अध्याय में, जब श्री कृष्ण अपने योग शक्ति का लेश मात्र प्रदर्शन करते हैं, जबकि ब्रह्मा जी ने स्वयं सोचा था कि वो अपने योग शक्ति को दिखाकर श्री कृष्ण को निम्न दिखाएंगे या वो जानबूझकर श्री कृष्ण की शक्ति को देखना चाहते थे, तो फिर 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी बहुत सुंदर स्तुति करते हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो इस अध्याय के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं गुणात्मनस्ते पिगुणान विमातुम हितावतीर्णस्य कईशिरेस्य कालेन यैर्वा विमितास्वकल्पैर् भूपांशवखे मेहका दिभास। वो कहते हैं कि गुणात्म नहते कि आप वो हैं जो अनेक दिव्य गुण से दिव्य गुणों से सुशोभित हैं, इन दिव्य गुणों से आप युक्त हैं, ये आपके स्वरूप है गुण आत्मा, और इन गुणों का विमातुम इनको गिनना ये प्राय संभव नहीं है। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा जी कहते हैं कालेन यर्वा विमितः सुकल्पय, जो सुकल्प होते हैं, सुकल्प अर्थात जो बहुत ही कल्पना या बुद्धि जिनकी बहुत तीव्र होती है, बहुत गंभीर होती है, जैसे बड़े बड़े मुनि योगी होते हैं या बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, तो सु मतलब बहुत अच्छी तरह से बहुत अधिक, तो बहुत अधिक मात्रा में जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं और बुद्धिमान लोग हैं, काले ना भले काल में अनेक समय से वो यदि ऐसे गणना करते आए हो तो भू पांशव जो भू अर्थात पृथ्वी या ब्रह्मांड के जो अणु हैं उनकी गणना भले वो कर पाए, मेहका भले वो जो बर्फ के टुकड़े होते हैं जब
ऐसे ठंडे प्रदेश होते हैं जैसे हिमालय पे बर्फ पड़ता है ना, तो बर्फ के छोटे छोटे जो कण होते हैं, तो उसके भले कितने कण होते वो भले गिन पाए, द्युभास है, मतलब जैसे सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि जिनसे प्रकाश की किरणें निकलती हैं, उनके जो छोटे कण होते हैं प्रकाश के कण, भले वो भी हम ढूंढ कोई गिन पाए, ऐसे बड़े बड़े ज्ञान योगी भले वो सफल हो भी जाए, वैसे भी ये तो सफल नहीं है करना, ये संभव नहीं है करना, क्योंकि कितना मुश्किल है। फिर भी यदि कोई ऐसे सफल हो भी जाए, फिर भी वो भगवान के गुणों को गिन नहीं पाएंगे। वो भगवान जिन्होंने अवतीर्ण हित हित अवतीर्णस्य, वो भगवान जिन्होंने जो अवतीर्ण हुए हैं सबके हित के लिए। तो इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान जी के गुणों का वर्णन करते हैं या उल्लेख करते हैं कि भगवान के गुण कितने अनंत हैं और कितने गहरे हैं, कितने परिपूर्णता से भगवान श्री कृष्ण ऐसे गुणों से युक्त हैं। तो श्री सनातन गोस्वामी जब इस श्लोक के ऊपर टीका लिखते हैं तो वो कहते हैं कि गुणात्मक शब्द का अर्थ है कि समस्त श्रेष्ठ दिव्य गुणों के आत्मा है। ये गुण मतलब कोई साधारण गुण नहीं, जो श्रेष्ठ गुण है, जितने भी सब सर्वोच्च और श्रेष्ठ गुण है उनके वो आत्मा है। तो ऐसे क्यों है? ऐसे ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को गुणात्मा कह के संबोधित क्यों करते हैं? क्योंकि श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, पहली बात यह है कि इन गुणों को वो प्राण देते हैं, जीवन प्रदान करते हैं, अन्यथा ये गुण तो वैसे ही हैं, दिखाई पड़ते हैं, इसमें कोई जान नहीं है, कोई प्राण नहीं होता। भौतिक जगत में हम बहुत सारे ऐसे गुण देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति धनी है, कोई व्यक्ति सुंदर है, कोई व्यक्ति दानी है, तो इस तरह के कोई बुद्धिमान है, तो ऐसे गुण दुनिया में भी दिखाई पड़ते हैं, परंतु ऐसे गुण खोखले लगते हैं इसमें। इसमें कोई, जैसे साधारण भाषा में कहते, दम नहीं होता इसमें, कोई कोई जीवन, कोई प्राण नहीं होता इनमें। और वैसे भी यहाँ जो गुण उपलब्ध पाए जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं दुनिया में, भले धनी से धनी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना धन होगा उसके पास भगवान की तुलना में, और कितने समय तक वो ऐसे धन को अपने पास रख पाएगा। यहां सब कुछ क्षणभंगुर है, तो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति भी इस संसार में अधिक समय के लिए अपने पास धन को नहीं रख पाएगा। हो सकता है, संभव है कि ऐसा व्यक्ति अपने अगले जीवन में कोई जानवर बन जाए, तो फिर कहां गया उसका धन? तो इस तरह से यहां ये संसार में जो धन पाए, जो गुण पाए जाते हैं, वो कोई मायने नहीं रखते हैं। वैसे जितने भी गुणों से लोग सुशोभित होते हैं, जिनकी प्रशंसा लोग करते हैं, वाह वाह कार करते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है वास्तव में। तो भगवान, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो धीरे धीरे से ऐसे गुणों को प्रकट करते हैं, अपने आप ही भगवान के अंदर जो भी गुण है वो भक्तों में भी प्रकट होने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के अनंत गुण है, और ऐसे अनंत गुणों में से थोड़े गुण जीवों में भी प्रकट होने लगते हैं। तो जिनके, जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, उनके अंदर भरे हराव भक्तस्य कुतो महत गुण, मनोरथे ना सति धावतो बही। तो ऐसे बाहर के जो लोगों में गुण पाए जाते हैं, जो अभक्त होते हैं, उनमें ऐसे गुण कैसे पाए जाते हैं? हराव अभक्तस्य कुतो महत गुण, कि जो हरि के
भक्त नहीं होते हैं उनमें भले ऐसे कोई गुण पाए जाते नहीं पाए जा सकते। तो अभी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे क्यों कहा गया है श्रीमद् भागवत में कि हराव भक्तस्य कुतो महत गुण, कि ऐसे गुण कहाँ अभक्तों में पाए जाते हैं, पर हम देखते हैं कि अभक्तों में दिखाई पड़ते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि नहीं दिखाई पड़ते हैं, कैसे पाए जाते हैं? जैसे हम देखते हैं कि कई लोग सुंदर हैं, कई लोग धनी हैं, कई लोग बुद्धिमान हैं, एक तो हम देख रहे हैं। तो वास्तव में सत्य तो ये है कि जब ये गुण सारे दिखाई पड़ते हैं अभक्तों में, न केवल वो क्षणभंगुर होते हैं, किसी भी समय नष्ट हो सकते हैं, न केवल वो बहुत लेश मात्र पाए जाते हैं, परंतु क्योंकि वो श्री कृष्ण से संबंधित नहीं होते हैं तो उनमें कोई जान नहीं होती, कोई जीवन नहीं होती है उन गुणों में, उनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे क्योंकि ये सब क्षणभंगुर है और ये दुख के कारण है, तो क्या मतलब? जैसे जैसे हमने उदाहरण दिया, सबसे धना व्यक्ति यदि अगले जन्म में कोई पशु बन जाए तो क्या मतलब क्या है ऐसे धनी होने का? उसका परिणाम क्या निकला? कोई शुभ परिणाम निकला उससे? कोई उस व्यक्ति को वास्तविक सुख मिला? वैसे जब उसके पास धन होता है तभी भी खुश नहीं होता है वो, तब भी चिंताग्रस्त रहता है, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, तरह तरह के लोग उससे जलते हैं, उसे ईर्ष्या करते हैं, उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, जीते जी भी उसका जीवन नरक के समान ही है। और फिर जब उसके जीवन का अंत हो जाएगा तब परिणाम क्या होगा? कोई पशु को जीवन उससे कोई प्राप्त हो गया, इसका मतलब है कि ये सारे गुण हैं खोखले हैं, इनमें कोई मतलब ही नहीं है। कोई सुंदर है, कब तक वो सौंदर्य रहेगा? जब बुढ़ापा आ जाएगा तो थोड़ी ना वो सौंदर्य रह जाएगा, सुंदर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, थोड़ा सा यदि हम सोचें, थोड़ा सा यदि हम शास्त्रों के दृष्टिकोण से यदि हम विश्लेषण करें इस भौतिक जगत का और जो भी कुछ हम देखते हैं इस जगत में, तो ये आसानी से हम समझ पाएंगे कि वास्तव में यहाँ जितने भी गुण दिखाई पड़ते हैं उनका कोई मतलब नहीं है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवति अकिंचना सर्वैर् गुणैस्तत्र समासते सुरः। परंतु जो हरि के भक्त होते हैं, निष्किंचन होते हैं, यस्यैव भक्तिर्, तो जो अकिंचन भक्त होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनमें समासते वो सारे जितने भी सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरः, जो देवताओं के जितने भी अच्छे गुण होते हैं वो सब ऐसे शुद्ध भक्तों में प्रकट होने लगते हैं। क्रमशः जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं वैसे वैसे ये गुण प्रकट होने लगते हैं, उतनी मात्रा में भी, और उनकी गुणवत्ता भी वैसे ही बढ़ने लगती है। यहां तक कि श्री राजीव गोस्वामी ने बतलाया है कि केवल केवल देवताओं के गुण नहीं, प्रत्यक्ष श्री कृष्ण के गुण ऐसे भक्तों में प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि मूलतः जितने भी अच्छे गुण होते हैं वो सब श्री कृष्ण में निवास करते हैं। और फिर ये गुण कभी कभी ब्रह्मांड के जीवों में भी लेश मात्रा में प्रकट होने लगते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं जो भगवत विहीन कोई गुण होते हैं, भगवत भक्ति विहीन गुण होते हैं, तो वो कैसे हो कि मंडनम लोकरंजनम, जैसे किसी शव के ऊपर कोई आप आभूषण आदि डालें तो इसमें क्या मतलब है? कि वो लोगों के मनोरंजन के, लोग कहेंगे, वाह वाह कहेंगे कि देखो ये व्यक्ति कितने सुंदर लग रहे हैं, कपड़े कितने सुंदर हैं, आभूषण कितने सुंदर हैं, परंतु वो तो शव है। तो ऐसे सजावट करने से, उस व्यक्ति को अलंकृत करने से कोई मतलब निकला क्या उसका? भले ही अच्छे कपड़े हों, सुंदर कपड़े हों, सब कुछ ठीक ठाक अच्छे हों, लेकिन व्यक्ति तो मर गया है ना। तो ऐसे किसी शव को, किसी मरे हुए व्यक्ति को ऐसे अलंकार और इत्यादि कपड़े आदि पहनाए जाए तो फिर क्या मतलब उसका?
तो ठीक उसी प्रकार से यद्यपि ऐसे गुण हम देखते हैं लेकिन इनकी मात्रा इतनी कम है, अणु के समान भी नहीं है, और दूसरी बात कि गुणवत्ता में भी इतनी निकृष्ट स्तर के हैं और क्षणभंगुर होने के कारण फिर इनका कोई मतलब नहीं। इसलिए वही चीज मायने रखता है जिसका संबंध श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। श्री कृष्ण से किसी चीज को हम अलग कर दें तो वो चीज भले वैसे रहे परंतु उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि जैसे हमारे जो हाथ के उंगलियां होती हैं वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान होती हैं। एक भी उंगली यदि नहीं रही हमारी तो फिर कितना मुश्किल होता है हमें। एकलव्य की कथा से हम जानते हैं कि एक अंगूठा नहीं रहा कितना फर्क पड़े एकलव्य के लिए। जब एकलव्य ने वो अंगूठा काट दिया और वो अंगूठा पड़ा नीचे जमीन के ऊपर तो फिर क्या उस अंगूठे का कोई मूल्य रहा? नहीं। जब ये अंगूठा शरीर से जुड़ा हुआ रहता है सही तरह से तो फिर उस अंगूठे का बहुत मूल्य होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारी जो भी जो गुण होते हैं वो श्री कृष्ण से संबंधित होते हैं, श्री कृष्ण भक्ति से युक्त होते हैं तो फिर ये गुण बहुत मूल्यवान बन जाते हैं, व्यक्ति को बहुत सुंदर बनाते हैं, और वो व्यक्ति ऐसे सद्गुणों से संपन्न होकर श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रिय हो जाता है। श्री कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं ऐसे गुणों से। श्री कृष्ण केवल भौतिक गुणों से आकर्षित नहीं होते हैं, श्री कृष्ण भक्तिमय गुणों से, भक्ति से युक्त गुणों से आकर्षित होते हैं। वही गुण जब कृष्णमय हो जाते हैं वो कृष्ण को आकर्षित करते हैं, और वही गुण जब कृष्ण भक्ति विहीन हो जाते हैं तो कृष्ण उनसे आकर्षित नहीं होते हैं। इसलिए यहां जब सनातन गोस्वामी कहते हैं कि गुणात्मा शब्द का तात्पर्य क्या है कि श्री कृष्ण वो व्यक्ति हैं जो कि सारे अच्छे जो सबसे श्रेष्ठ गुणों के आत्मा हैं, क्योंकि वो उन गुणों को जीवन प्रदान करते हैं। तो मानो ऐसे होता है कि कोई शव जो है वो अचानक जीवित हो गया। यही तो होता है ना आत्मा और शरीर में। जब किसी मान लीजिए कि किसी शरीर से आत्मा निकल गई तो फिर शरीर का कोई मतलब नहीं रहा, परंतु जब वो आत्मा शरीर में रहती है तो शरीर बहुत कुछ कर सकता है। तो ठीक उसी तरह से जब जीवन आ जाता है तो फिर ये गुण सारे खिल उठते हैं। तो भगवान में ऐसे श्रेष्ठ गुण हैं, और भगवान ही हैं जो कि सारे अच्छे गुणों के आत्मा हैं। भगवद गीता में भी ऐसे काफी विस्तार में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, जैसे तेजस तेजस्वी नाम अहम, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, तेजस्वी व्यक्तियों का तेज वास्तव में मैं हूं। तो ये गुण जो है तेजस्वी होना, ये तेज आता कहाँ से है? ये श्री कृष्ण से आता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति तेजस्वी है परंतु अपने तेज का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए नहीं करता है तो फिर उस तेज का मतलब नहीं है। वैसे मानिए कि एक शरीर में कोई आत्मा नहीं है, शव पड़ा रहता है, कोई मूल्य नहीं है उसका। तो उस गुण के प्राण भगवान श्री कृष्ण हैं, और कोई नास्तिक व्यक्ति भी हो वो यदि बुद्धिमान हो शक्तिशाली हो तो वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने कुछ जान दी है उस गुण में। श्री कृष्ण ही है वो गुण, इसलिए तो वो व्यक्ति कुछ कर पा रहा है, उन गुणों को प्रदर्शित कर पा रहा है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है सनातन गोस्वामी के शब्दों में कि श्री कृष्ण को गुणात्मा इसलिए भी कहते हैं कि वो इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं, और अवतीर्ण होकर यह इन गुणों को प्रकट करते हैं। क्यों प्रकट करते हैं? हित अवतीर्णस्य,
तो समस्त जगत के कल्याण के लिए वो इन गुणों का प्राकट्य करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के गुणों के प्राकट्य से दुनिया का हित कैसे होता है? जैसे भगवान अपने विविध प्रकार के गुणों को प्राकट्य करने से लोगों को आकर्षित करते हैं, श्री कृष्ण का सौंदर्य हो या श्री कृष्ण की करुणा हो, ऐसे बहुत सारे गुण श्री कृष्ण के हैं। तो भगवान ऐसे अपने गुणों को प्रकट करके इस संसार के बद्ध जीवों को आकर्षित करते हैं उनकी ओर। और जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण से आकर्षित हो जाता है तो उसका जीवन परिपूर्ण हो जाता है। यह तो हमारे जीवन का ध्येय है, भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित होना। इस समय हमारा आकर्षण संसार के प्रति है और हम इस आकर्षण को खींचने का प्रयास कर रहे हैं संसार से भगवान तक, परंतु ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हमारा आकर्षण पुनः पुनः इस भौतिक सृष्टि की ओर चले जाता है, क्योंकि अनंत कोटि जन्मों से हम यहाँ पर इस भौतिक सृष्टि में रहे हैं और हमारी आसक्ति संसार के गुणों के प्रति रही है, इसलिए पुराने आदतों को निकालना इतना आसान नहीं है। एक ही उपाय है कि तीव्रता से हम साधन भजन करते रहें और ऐसे भक्ति के द्वारा ही फिर हम भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। यदि भगवान ऐसे प्रकट नहीं होते और प्रकट होकर ऐसे उनके दिव्य गुणों का प्रदर्शन नहीं करते तो आज हम यहाँ नहीं होते, ऐसी चर्चा नहीं कर पाते हम लोग कृष्ण भक्त नहीं होते। कृष्ण प्रकट होते हैं अपने बाल लीला से लेकर अपने तिरुभाव तक, वो सुंदर सुंदर लीला प्रदर्शित करते हैं, उनके नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनके लीलाएं, इनके द्वारा हमारा उद्धार होता है। और तीसरी बात, जब ऐसे कोई बद्ध जीव श्री कृष्ण के गुणों का अनुशीलन करता है, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तो उसका भला हो जाता है। और फिर भला किस तरह से होता है? भला इसलिए होता है कि प्रभु जन्म मृत्यु के चक्र से, इस दुख भरे संसार से मुक्त होकर वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है, जहां पे कोई मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, भौतिक शरीर नहीं, वहां केवल आनंद ही आनंद है, सच्चिदानंद जीवन के लिए वहां भगवान के धाम में चले जाता है। और एक सुंदर बात जो श्री कृष्ण के गुणों के संदर्भ में श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण हर एक अपने जो जीव के हित के लिए एक विशेष रूप से एक गुण को प्रकट करते हैं। अभी एक उदाहरण, और ये उदाहरण ही अपने आप में एक प्रवचन के लिए विषय है, परंतु संक्षेप में अभी कहें, अभी ये पूछा जा सकता है कि भगवान के इतने रूप क्यों हैं? जैसे श्री कृष्ण हैं, नरसिंह देव हैं, वामन देव हैं, श्री रामचंद्र हैं, अनंत रूप हैं, रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरो भुवनेषु किंतु। तो भगवान के ऐसे अनंत रूप हैं, तो इससे एक गलत धारणा कई बार लोगों में आ जाती है कि आपके कई भगवान हैं, आप कई भगवानों को मानते हैं। तो लेकिन हम बहु ईश्वरवादी नहीं हैं, हम एक ईश्वरवादी हैं, और वो एक ईश्वर हैं श्री कृष्ण, और वो भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं। तो एक बार हमसे किसी ने पूछा था कि भाई क्यों करते हैं भगवान ऐसे प्रकट अपने आप को, ऐसे इतने विभिन्न रूप प्रकट करके सबको भ्रम में डालते हैं, फिर ऐसे वाद विवाद करते बैठ जाते हैं कि भगवान बहुरूपी हैं, उनके बहुरूप हैं, नहीं हैं। अगर एक ही रूप होता और वही एक रूप मात्र उन्होंने प्रकट किया होता तो हम सबके लिए कितना आसान हो जाता, तो हम सब कह सकते हाँ भगवान है और यही है। अब कोई कहता है श्री कृष्ण है, कोई कहता है राम है, कोई कहता है नरसिंह है, कोई कहता है ये वो,
तो वाद विवाद के लिए एक अवसर मिल जाता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विविध रूपों में प्रकट क्यों करते हैं, ये अपने आप में ही विषय की चर्चा है, परंतु इसके पीछे एक कारण हम अब बताएंगे संक्षेप में, और वो ये है कि हम में से हर एक व्यक्ति एक बहुत ही विशेष व्यक्ति है। हमारी जो मानसिकता है, हमारे जो विचारधाराएं हैं, सोचने का ढंग है, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, जो विचार हैं, इच्छाएं हैं, वो सब अन्यों के पास नहीं होते हैं। अद्वितीय कहा जा सकता है, अद्वितीय इस दृष्टि से कि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक ही है, ऐसे व्यक्ति दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। भले सोच में एक एक बराबर के रहने वाले हो सकते हैं, ऐसे कोई लोग हैं जो बहुत ही लोभी होते हैं पैसे के लिए, ठीक है, वो लोभी सारे लोभी लोगों में भी कितनी विविधता होती है। तो हम में से हर एक व्यक्ति की प्रवृत्तियां वगैरह विशेष रहती हैं। तो इसलिए तो भगवान ने यहाँ पे इतने सारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए रास्ते बनवाए हैं, जैसे ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग इत्यादि, कर्म योग, विविध प्रकार के योग भी इसलिए हैं कि लोगों की प्रवृत्तियां विविध हैं। अभी सबको कहेंगे आप भक्ति कीजिए, वो भक्ति के लिए अधिकारी व्यक्ति शायद ना हो, वो शायद ज्ञान योग के लिए अधिकारी व्यक्ति हो, शायद वो कर्म के लिए अधिकारी व्यक्ति हो। तो जिस प्रकार से एक दुकान में जाते हैं तो हम कमीज खरीदने जाते हैं या जूता खरीदने जाते हैं, तो फिर ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति को एक ही तरह का जूता, एक ही माप का जूता दिया जाता है, एक ही माप का कमीज दिया जाता है, नहीं। जैसे जैसे उसकी पैर की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, वैसे उसे कोई जूता दिया जाता है, वैसे उसके शरीर का नाप होता है, वैसे उसके लिए कमीज दी जाती है। तो वैसे जितने अलग अलग पथ हैं, सब अलग अलग प्रवृत्तियों से युक्त व्यक्तियों के लिए है। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि लोगों की प्रवृत्ति अलग अलग है, वो अलग अलग तरह से अलग अलग गुणों से आकर्षित होते हैं, इसलिए भगवान अलग अलग गुणों को प्रकट करते हैं। वैसे मुझे याद है कि एक भक्त थे, और जब वो प्रवचन देते हैं तो बहुत ही उनकी आवाज भी बहुत बुलंद है, और इस तरह से बड़े जोर से मारी की कोई हथौड़ा मार रहे हैं, इस तरह से उनका प्रचार होता है, तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो कहते भाई इनके प्रवचन में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो इस तरह से बात करते हैं इतने जोर से, और तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम दूसरों के पास जाएंगे जहां जो थोड़े मधुर ढंग से बात करते हैं। परंतु ऐसे भी कई लोग हैं, भक्त भी, जो उस भक्त से आकर्षित होते हैं, उस तरह के जो प्रवचन आदि से बहुत आकर्षित होते हैं, उनको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हम सब का व्यक्तित्व भिन्न भिन्न होता है। किसी को एक तरह का प्रवचन अच्छा लगता है, किसी को दूसरे तरह का प्रवचन अच्छा लगता है, क्योंकि हम अलग हैं, भिन्न हैं हम व्यक्ति। तो इसी तरह से जो अलग अलग गुण हैं, उनसे हम प्रभावित होते हैं। किसी को लगता है कि इस प्रकार के गुण से आकर्षित हो जाएंगे, दूसरा व्यक्ति दूसरे प्रकार के गुण से आकर्षित होता है। तो भगवान अलग अलग व्यक्तियों के जो प्रवृत्तियों को देखकर अलग अलग गुणों को प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से भगवान के विविध रूप जो होते हैं, सदैव उनके रूप होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल थोड़े दिन पहले भगवान ने किसी एक नया रूप प्रकट किया, ये सारे रूप अनादिकाल से विद्यमान हैं। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान के जो अनंत गुण हैं, वो भी अनादिकाल से विद्यमान है, परंतु उनका प्राकट्य इसलिए हुआ है कि जो जितने भी जीव हैं वो अलग अलग गुणों से आकर्षित होते हैं, और प्रत्येक गुण भगवान का है वो किसी एक अमुक प्रकार के मानसिकता के व्यक्ति को आकर्षित करने वाला है। तो भगवान जब अनंत कोटि
जो गुण प्रकट करते हैं इसलिए करते हैं ताकि जो विविध प्रकार के मानसिकता के लोग जो हैं सारे के सारे वो आकर्षित हो जाएं उनके प्रति। भगवान यदि केवल एक गुण प्रकट करते हैं तो एक ही तरह के आदमी उनके पास आ जाते, दूसरे प्रकार के लोग आकर्षित शायद नहीं होते उनसे, क्योंकि भगवान अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए वो सबको आकर्षित कर सकते हैं। जैसे इस दुनिया में हम देखते हैं कि कोई लोग धनी लोगों से बहुत आकर्षित होते हैं, परंतु कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं धनी लोगों से हमें नफरत है। जैसे ये कभी कभी वो साम्यवाद दर्शन बोलने वाले लोग कहते हैं हमें धनी लोग नहीं चाहिए हम तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो विरक्त लोगों से आकर्षित होते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो किसी एक पेड़ के नीचे रहते हैं, वैरागी जीवन बिताते हैं, उनके प्रति ये लोग आकर्षित होते हैं। तो ये गुण दोनों बिल्कुल उल्टे हैं, विपरीत हैं, बहुत धनी होना और बहुत गरीब होना। तो कोई लोग हैं जो इस गुण से आकर्षित होते हैं, कोई दूसरे गुण व्यक्ति हैं जो दूसरे गुण से आकर्षित होते हैं, इसलिए भगवान दोनों गुणों को प्रकट करते हैं, अपने ऐश्वर्यशाली गुण को भी प्रकट करते हैं जिनसे थोड़े कई जीव आकर्षित होते हैं, कभी कभी वे अपने वैराग्य को भी दिखलाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो संन्यास आश्रम उन्होंने स्वीकार किया, और वृंदावन में कैसे उन्होंने अपने प्रिय भक्तों को छोड़ दिया और निकल पड़े मथुरा की ओर, और फिर जब संसार छोड़ने का समय आया तो अपने प्रिय यदुकुल के भक्तों को भी छोड़ दिया और स्वधाम लौट के चले गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात सनातन गोस्वामी यहां बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के किसी गुण विशेष के प्राकृत्य के पीछे है जीवों का हित, और क्योंकि अनंत जीव यहां संसार में है तो इन सब का उद्धार करने के लिए भगवान अनंत गुणों को प्रकट करते हैं। और एक बात है जो सनातन गोस्वामी कहते हैं वो ये है कि जो कि ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं यहां पर, यदि भले ऐसे सुकल्प ही, भले ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक हो भी जो कि अणुओं की गणना कर भी सके, फिर भी भगवान के गुणों की गणना करना संभव नहीं है। तो यहाँ तीन चीजों का उल्लेख ब्रह्मा जी ने किया है, एक पृथ्वी के ऊपर जितने भी अणु हैं उनका, दूसरे जो बर्फ के जो कण हैं उनका, और तीसरे हैं जो रोशनी के किरणें, किरणों में जो अणु होते हैं उनके कण होते हैं। तो वैसे इनकी गणना करना बहुत मुश्किल है, परंतु यदि किसी ने मान लीजिए कि पृथ्वी के ऊपर जितने अणु हैं उनका विश्लेषण कर लिया, फिर आगे चल के जो सारे ब्रह्मांड में जितने भी रोशनी हैं, उस रोशनी के किरणों में जितने भी कण हैं उनको, उनकी गणना करना तो और भी मुश्किल है। परंतु ऐसे संकर्षण जैसे, वो तो भगवान के अवतार है ना, उन्होंने वास्तव में गणना की है, की हुई है। तो ऐसे यद्यपि भगवान संकर्षण ने ऐसे समस्त अणुओं की गणना आदि कर ली है, फिर भी भगवान के गुणों की गणना वो आज तक नहीं कर पाए हैं। ऐसे बताया जाता है कि अनंत शेष भी अनादि काल से वो भगवान का गुणगान करते आए हैं, परंतु भगवान के गुणों के वर्णन के अंत तक आज भी नहीं पहुंचे हैं और अनंत काल तक भी नहीं पहुंचेंगे। अभी भी अनंत शेष या भगवान संकर्षण बड़े उत्साह से वर्णन किए जा रहे हैं, परंतु अंत को नहीं पहुंचे हैं। और अंत में ये कहना आवश्यक होगा ब्रह्मा जी के इस श्लोक के संदर्भ में कि भगवान श्री कृष्ण के जितने भी गुण हैं, उनका सबसे मधुर
प्राकट्य श्री वृंदावन धाम में होता है। यद्यपि भगवान जब भी गुणों को प्रकट करते हैं, जहां भी करते हैं, वो मधुर ही होते हैं, परंतु यदि तरतम्य न्याय से के दृष्टि से देखा जाए कि कोई अच्छा है और भी अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है, मधुर और मधुर, सबसे मधुर, तो ऐसे चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज बतलाते हैं, स्वयं महाप्रभु भी कहते हैं। तो जब तक जहां तक मधुरता की बात है, तो वैकुंठ में या द्वारका भी समझ लीजिए, वैकुंठ या द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का जो मिठास है, उनके जो गुण है, सब कुछ जो भी द्वारका या वैकुंठ से संबंधित है, वो पूर्ण रूप से मधुर है। तो और आगे चल के मथुरा में जो भगवान गुणों का प्राकट्य करते हैं, वो पूर्णतर है। जो मधुरता है भगवान श्री कृष्ण की, मथुरा में केवल पूर्ण नहीं, पूर्णतर है, अर्थात और पूर्ण है। और फिर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के जो गुण है, मधुरता है, वो है पूर्णतम। तो पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम, तो भगवान के गुणों की मधुरता पूर्णतम है श्री वृंदावन धाम में। इसलिए स्वयं हम सब वृंदावन के भक्त बनना चाहते हैं। यद्यपि भगवान के अन्य अवतारों की सेवा करके, उनका गुणगान करके भी हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है और हमारे लिए ये पूजनीय है, भगवान ही है वो, परंतु विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं वृंदावन के प्रेम को सिखलाने के लिए। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने 108 बार प्रहलाद महाराज की कथा सुनी, ध्रुव महाराज की कथा भी उतनी ही बार सुनी, जबकि प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज वैकुंठ के भक्त हैं, तो इसका मतलब है कि हमें भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये भागवत की कथाएं हैं, संसार की कथाएं तो नहीं है। फिर भी, इतना होते हुए भी, श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष रुचि वृंदावन की कथाओं में थी और उन्होंने यही सिखलाया, उन्नत उज्ज्वल रस। तो ऐसे विशेष जो रस पाए जाते हैं वृंदावन में, उनका आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। तो इसलिए वृंदावन के लीलाओं को देखकर हम भगवान श्री कृष्ण के ऐसे लीलाओं को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उनके बारे में स्मरण कर सकते हैं, जो अद्भुत से अद्भुत है। और इन पांच दिनों के दौरान, जब पांचवें दिन में जब हम आएंगे, तो उस समय विशेष रूप से इन ऐसे गुणों की चर्चा करेंगे जो सबसे अधिक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण प्रकट कराते हैं। तो ये हुए ब्रह्मा जी के बातें। अभी तक 64 गुणों की बात तो हमने प्रारंभ भी नहीं की है। भक्ति रसामृत सिंधु में जब रूप गोस्वामी सारे भगवान के गुणों का विश्लेषण करते हैं, तो वो कहते हैं, समस्त विविधाश्चर्य कल्याण गुणवारिधे गुणानाम इह कृष्णस्य दिन मात्रम उपदर्शितम। वो कहते हैं, समस्त विविध आश्चर्य कल्याण गुणवारिध, वारिधे मतलब जो समुद्र है, सागर। तो भगवान श्री कृष्ण का ये एक नाम है। इस श्लोक का संपूर्ण जो आधा भाग है वो एक नाम है भगवान का। वो क्या नाम है? समस्त विविध आश्चर्य कल्याण गुण वारिधे है। तो भगवान श्री कृष्ण कौन है? वो एक सागर है। किस तरह के सागर? गुणों के सागर। किस प्रकार के गुण? जो कि कल्याण, अर्थात बहुत मंगलमय गुणों के सागर है। तो ये मंगलमय गुण किस प्रकार से विद्यमान है श्री कृष्ण में? आश्चर्य, आश्चर्यचकित कराने वाले ढंग से, कराने वाले
ये गुण है और विस्मित करते हैं सबको, और विविध प्रकार के कल्याण कल्याणमय मंगलमय गुण है भगवान के अंदर। समस्त जितने भी अच्छे अच्छे मंगलमय गुण हो अपनी संपूर्ण विविधता में, बिल्कुल किसी व्यक्ति के हृदय के अंदर संपूर्ण आश्चर्य या विस्मय जागृत कराने वाले गुणों हैं, ऐसे गुणों के सागर हैं श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम है समस्त विविधाश्चर्य कल्याण गुण वारिदे। तो फिर रूप गोस्वामी कहते हैं गुणा नाम यह कृष्णस्य, ये जो कृष्ण के जो गुण हैं, दिन मात्रम उपदर्शितम, मैंने अभी तक जितने भी गुणों का वर्णन किया है, जो 64 गुणों का वर्णन मैंने किया है उपदर्शितम, तो वो क्या है, दिन मात्रम, केवल एक मैंने झलक मात्र दी है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे गुण हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, परंतु उनमें से कई महत्वपूर्ण गुणों को रूप गोस्वामी ने चुना है। चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 23वें अध्याय में कहते हैं, अनंत कृष्ण गुण चौषट्टी प्रधान, एक एक, एक गुण शुनी जुड़ाए भक्त कान। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अनंत कृष्ण गुण, दूसरा इसका मतलब है कि कृष्ण के गुण अनंत हैं, परंतु उनमें से 64 प्रधान गुण है। तो इस प्रवचन की शुरुआत में हमने ये कहा था कि अभी इन 5 दिनों में इन 64 गुणों की चर्चा हम करने वाले हैं, तो क्या श्री कृष्ण के केवल 64 गुण हैं? वो तो अनंत हैं, फिर उनके केवल 64 गुण कैसे हो सकते हैं? तो इसका उत्तर मिल गया अभी कि श्री कृष्ण के केवल 64 गुण नहीं है, अनंत गुण है, परंतु चैतन्य महाप्रभु और श्रील रूप गोस्वामी ने इन अनंत गुणों में से 64 प्रधान गुण चुने हैं और उनका संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। और महाप्रभु कहते हैं एक एक गुण शुनी जुड़ाए भक्त कान। तो जब भक्त एक एक करके इन गुणों का श्रवण करते हैं और उनका वर्णन सुनते हैं, तो उनके कान जो है या उनके कानों के द्वारा तो उनका हृदय बहुत संतुष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से हरिनाम लेने से हमारा मन हो जाता है, भगवान की लीलाओं को सुनकर भी हम प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान के सुंदर रूप को देखकर भी हम आनंदित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान के गुणों का वर्णन सुनने पे भी हृदय प्रफुल्लित हो उठता है, खिल जाता है आनंद से। यदि नहीं भी होता है तो कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए कि ध्यान से हम सुने भगवान श्री कृष्ण के अनंत गुणों के बारे में। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। अब एक बात यह है कि जब फिर रूप गोस्वामी जब इन गुणों का वर्णन करना शुरू कर देते हैं 64 गुणों का एक के बाद एक, जब 50वें गुण में पहुंच जाते हैं, फिर वो कहते हैं, याद रखिए वो श्री कृष्ण के गुणों की बात कर रहे हैं, 50 गुणों के वर्णन करने के बाद वो कहते हैं जीवेश में तेव संतोपि बिंदु बिंदु तया क्वचित परिपूर्णतया भाति तत्रैव पुरुषोत्तमः। वो कहते हैं कि जीवेशु एते वसंतोपि, यद्यपि ये 5 गुण 50 गुण ये श्री कृष्ण में है, परंतु ये जीवों में भी पाए जाते हैं, जीवों में भी निवास करते हैं, वसंतः, ये 50 गुण जीवों में भी वास करते हैं, परंतु क्या, बिंदु बिंदु तया, बहुत छोटी मात्रा में, एक बिंदु बिंदु तया, जैसे एक कण मात्र
जीवों में विद्यमान रहते हैं और वो भी क्वचित। तो ये बिंदु बिंदुतया और क्वचित, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। ये गुण है, पहली बात है कि बिंदु मात्र ही प्रकट होते हैं जीवों में, और दूसरी बात कि हर समय नहीं रहते, कभी कभी रहते हैं, क्वचित, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। जैसे इस प्रवचन के प्रारंभ में मैंने कहा था कि कैसे एक बहुत धनी व्यक्ति आज धनी है, कल हो सकता है वो अगले जन्म में पशु बन जाए, या इसी जन्म में भी अपने धन को खोकर फिर वो गरीब आदमी बन जाए। तो ये जो ऐश्वर्य का गुण है उसमें थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ, फिर खत्म हो गया, क्वचित। तो कभी ये दिखाई पड़ता है, कभी नहीं दिखाई पड़ता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति के कर्म होते हैं तो वैसे वैसे उसके अंदर अलग अलग गुण दिखाई पड़ते हैं। तो कर्म विविध प्रकार के जीव करते हैं, इसलिए गुण भी विविध प्रकार के प्रकट होते हैं, और वो भी कभी प्रकट होते हैं कभी नहीं प्रकट होते हैं। तो ये 50 गुण जीवों में प्रकट होते हैं, कभी 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 नहीं प्रकट होते हैं, कभी दिखाई पड़ते हैं कभी नहीं, और वो भी बहुत बिंदु मात्रा में। परंतु परिपूर्णतया भाति तत्र एव पुरुषोत्तमः। परंतु पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में ये संपूर्ण, ये जितने भी 50 गुण हैं, वो परिपूर्णतया भाति, वो विद्यमान रहते हैं परिपूर्णता में। इसमें कोई क्वचित की बात नहीं आई, सदैव सदैव भगवान श्री कृष्ण में ये 50 गुण विद्यमान रहते हैं, और वो भी असीमित मात्रा में, बिंदु बिंदुतया नहीं, एक असीमित सागर के समान है श्री कृष्ण। जिस तरह से एक सागर में हमेशा जल रहता है, जैसे एक छोटा सा तालाब हो, उसमें कभी पानी रहता है, कभी गर्मी के मौसम में तालाब सूख जाता है, परंतु समुद्र का पानी सूख नहीं जाता। तो समुद्र का पानी, समुद्र तो विशाल होता है, बहुत बड़ी मात्रा में जल होता है वहां पर। तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण गुणों के एक समुद्र है, गुणवारितः। तो उनके अंदर जितने भी ये गुण हैं, ये 50 गुण हैं जिनका उल्लेख अभी प्रारंभ में रूप गोस्वामी ने किया है, तो ये परिपूर्णता परिपूर्णता में रहते हैं और सदैव रहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और फिर आगे जब 50 गुणों का वर्णन कर लेते हैं, फिर रूप गोस्वामी कहते हैं और 5 गुणों का वर्णन करते हैं जो कि जीवों में नहीं है, कभी भी नहीं पाए जाते। कम से कम जो पहले गुण हैं, कभी दिखाई पड़ते कभी नहीं दिखाई पड़ते, भले कम या ज्यादा मात्रा में क्यों न हो, परंतु ये और अधिक जो 5 गुण हैं, वो कभी भी नहीं दिखाई पड़ते जीवों में। फिर ये अगले 5 गुण किसमें, किन में दिखाई पड़ते हैं? अथ पंच गुणा ये स्योर अंशेन गिरिशादिशु। ये अन्य 5 गुण निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण में परिपूर्णतया भाति वो भी विद्यमान होते हैं, परंतु जीवों में न होकर ये भगवान शिव जैसे महान देवताओं में भी अंश रूप में कभी कभी प्रकट होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। गिरीश अर्थात शिवजी, शिवजी का एक नाम है गिरीश, गिरी के ईश। तो आदिशु, आदिशु का क्या मतलब है? श्री प्रभुपाद अनुवाद में कहते हैं यहां पर कि शिवजी जैसे देवता, अन्य जगह में भी प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी का नाम भी लेते हैं। तो ब्रह्मा जी तो जीव हैं, तो इसके बारे में आचार्य ने कहा है कि वास्तव में जब यहाँ गिरीश आदिशु कहा जाता है, तो आदि में ब्रह्मा जी तब आएंगे जबकि श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी बन जाते हैं।
तो ये श्लोक ऐसे ब्रह्मा जी के लिए है जब स्वयं भगवान ब्रह्मा जी बनते हैं। ब्रह्मा जी साधारणतः जीव होते हैं, शिव जी जीव नहीं होते हैं। शिव जी का जो स्थान है, जो शंभु तत्व है, वो न विष्णु तत्व है न जीव तत्व है, तो वो भगवान और जीवों के बीच के स्थान में है। प्राय भगवान है परंतु पूर्ण भगवान नहीं है। इसलिए ये जो अधिक पांच गुण हैं जो जीवों में नहीं पाए जाते हैं, विशेष रूप से शिव जी में पाए जाते हैं। कृष्ण में तो है ही, शिव जी से अधिक मात्रा में है, क्योंकि शिव जी में कैसे है ये गुण, अंशेन पूर्णता। ये पांच गुण शिव जी में भी नहीं है। ये 50 गुण जो कि जीवात्माओं में है उससे कहीं अधिक मात्रा में शिव जी में ये 50 गुण है, और इनसे अधिक पांच गुण जो शिव जी में है वो अंश रूप में है, परंतु भगवान कृष्ण में ये परिपूर्णतया आती। और जब भगवान ब्रह्मा जी बन जाते हैं तो उस समय उनके लिए वो भी उपलब्ध है, वो भी उनमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आगे चल के हम देखेंगे। फिर 55 गुणों का उल्लेख करके अब और पांच वर्णन रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु दोनों करते हैं जो शिव जी में भी नहीं पाए जाते हैं। केवल वैकुंठ के स्वामी भगवान नारायण में पाए जाते हैं। तो ये 55 गुण जो हैं परिपूर्णतया भाति भगवान नारायण में पाए जाते हैं, और ये पांच गुण हैं जिनका उल्लेख शायद हम फिर चौथे या पांचवें दिन पर करेंगे। तो ये गुण भगवान नारायण में विद्यमान होते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं उनमें, शिव जी में नहीं। तो कौन से वो गुण है पांच, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये हो गए 60 गुण। तो 60 गुण इस तरह से हो जाते हैं। तो फिर श्री कृष्ण में 60 हैं, तो हमने 64 की बात की थी। तो भगवान नारायण में जितने भी 60 गुण हैं उनके, डिस्चार्ज हो गया। हरे कृष्णा, क्षमा कीजिए, अभी इज इट देयर नाउ? दिस इज फुल ग्रीन बट इट्स नॉट कनेक्टेड देयर। यू पुट इट ऑफ एंड टर्न इट ऑन एंड लेट्स सी व्हाट्स द एक पुट द ईयरफोन ऑन फिल्टर व्हाट इज द चार्ज 100% 90% टर्न इट ऑन। हरे कृष्णा, क्षमा कीजिए, थोड़ी कोई तकनीकी समस्या हो गई, इंटरनेट की समस्या, इसलिए मैं कहाँ था, पहले कहाँ से बंद हो गया। अच्छा ठीक है, तो हाँ हम 60 गुणों की बात कर रहे थे ना भगवान नारायण के। तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर भी ये 60 गुण है परिपूर्णतया। भगवान नारायण में जितने हैं, जिस मात्रा में, उससे भी अधिक भगवान श्री कृष्ण में है। और उससे इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के अंदर ऐसे भी 4 गुण हैं। ये 60 गुणों की बात जो है, अमी कृष्णे किलाद भूताः, तो ये 60 गुण जो भगवान नारायण में दिखाई पड़ते हैं वो श्री कृष्ण में भी और भी अद्भुत रूप से दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे भी 4 गुण और श्री कृष्ण के हैं
जो कि भगवान नारायण में नहीं है। तो सर्वाद्भुत चमत्कार, सबको सबसे चमत्कार सबके हृदय में जागृत कराने वाले ये चार गुण हैं भगवान श्री कृष्ण के, इनको चार माधुरी कहते हैं। तो ये श्री कृष्ण में है परंतु अन्य अन्य किसी में ये चार गुण नहीं पाए जाते। तो इस तरह से यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी बताते हैं कि श्री कृष्ण के 64 गुण, गुणों का विभाजन कैसे होता है। तो वो चित्र हम दिखा सकते हैं, वो आपको एक चित्र दिखाएंगे इस संबंध में। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण हैं परिपूर्णतया, ठीक है, और अद्भुत रूप से ये सारे 64 गुण भगवान श्री कृष्ण में हैं। उनमें से जीवों में केवल 50 हैं। आप देख रहे हैं सबसे नीचे जीव, हाँ, तो वो केवल 50 गुण, वो भी बिंदु बिंदु तया, और वो भी क्वचित कभी कभी। फिर ब्रह्मा जी शिव जी के अंदर ये 55 गुण दिखाई पड़ते हैं, जीवों से अधिक, और उससे अधिक और 5 गुण भगवान नारायण में हैं, जो शिव जी में भी नहीं दिखाई पड़ते, और नारायण से भी अधिक 4 गुण श्री कृष्ण में हैं, जो भगवान श्री कृष्ण केवल वृंदावन में प्रकट करते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने पहले कहा था कि वृंदावन के जो गुण हैं जो भगवान कृष्ण प्रकट करते हैं, वो सबसे मधुर, सबसे मीठे, सबसे अद्भुत गुण है। इसलिए वृंदावन की लीलाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के गुण वहां प्रकट होते हैं। तो ठीक है, तो हम आज ऐसे करेंगे, केवल पहले 6 श्लोकों के नाम लेंगे, इनकी चर्चा अब नहीं करेंगे। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 23वें अध्याय में जीवन का अंतिम उद्देश्य, ये शीर्षक है अध्याय, ये सनातन शिक्षा है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं। तो 70वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अयम नेता सुरम्यांगः सर्वसल लक्षणान्वितः रुचिरस्तेजसा युक्तो बलियान वयसान्वितः। तो अयम मतलब ये नेता, ये जो हमारे नायक हैं, नेता मतलब नायक, श्री कृष्ण ही हमारे नायक है ना, ये संसार के तथा कथित जो नायक हैं, हीरो हैं, वो उनका कोई मतलब नहीं है। तो हमारे नायक हैं श्री कृष्ण। तो अयम नेता, तो फिर महाप्रभु अब कहते हैं कि हमारे जो ये नायक हैं, सबसे बड़े नायक श्री कृष्ण, उनके गुण कौन से। तभी पहले 6 गुणों का उल्लेख इस श्लोक में वो करते हैं। सुरम्यांगः, रम्य अंगः, अर्थात उनके शरीर, उनका शरीर जो है वो बहुत सुंदर है, उनके शरीर का हर एक अंग बहुत सुंदर है। सु मतलब बहुत अच्छी तरह से, ज्यादा और अच्छी तरह से। रम्य अंगः, तो सुरम्यांगः। फिर दूसरा गुण है सर्व सत लक्षणान्वितः, सर्व सत, सत लक्षण, सत लक्षण अर्थात जो सबसे मंगलमय लक्षण है उनसे वो युक्त है, अन्वितः मतलब युक्त होना। तो भगवान श्री कृष्ण सारे मंगलमय गुणों से युक्त हैं। तीसरा गुण है रुचिरः, बहुत रुचि है, रुचिर है भगवान श्री कृष्ण, अभिराम, मन को आकर्षित करने वाले। चौथा है तेजसा, बहुत तेजस्वी है श्री कृष्ण। पांचवा है गुण बलियान, बहुत बलवान है श्री कृष्ण। और छठा है
वयस्यान्वितः वयसान्वितः अर्थात वयस अन्वित मतलब वो किशोर बहुत ही कम आयु से युक्त हैं। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण कभी वृद्ध नहीं होते हैं। और ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु कई श्लोकों में इन 50 गुणों का उल्लेख करते हैं। हम क्या करेंगे कल से हो सकता है थोड़ा समय है ना, 5 मिनट अभी हैं, तो हो सकता है पहले गुण का कोई संक्षेप में हम उल्लेख कर लें। सुरम्यांगः, तो ये पहला गुण है श्री कृष्ण का 64 गुणों में से। तो प्रभुपाद जी यहां बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जब वर्णन हो रहा होता है तो हम हमारे अनुभव में जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं उनसे तुलना करते हैं, क्योंकि हमारे अनुभव के बाहर तो कुछ है नहीं। यदि हमें किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे वस्तु को समझना है जो दिव्य है, जो संसार से परे है, जिसका कोई अनुभव हमें नहीं है, तो ये कैसे संभव है हमारे लिए? तो हमें क्या करना पड़ता है? फिर हमें इस संसार के भीतर जिन चीजों से हम परिचित हैं उनके द्वारा ऐसी चीजों को जानने का प्रयास कर सकते हैं जो कि इस हमारे इंद्रियों के परे हैं, हमारे समझ के, हमारे बुद्धि के परे हैं। आप शाखा चंद्र न्याय तो जानते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जब एक माँ अपनी छोटी बच्ची को चांद दिखाना चाहती है और वो ऊपर आसमान में कहती है, लेकिन बच्चा ढूंढ नहीं पाता कहाँ चांद है क्या है, तो माँ उसे एक ऐसे स्थान में ले जाती है जहाँ एक पेड़ के दो शाखाओं के बीच में से चांद दिखाई पड़ता है। तो फिर वहां से कहते हैं, देखो इन दोनों के बीच में से चांद दिखता है, तो बच्चा आसानी से देख पाता है, नहीं तो वो सारे आसमान में इधर उधर देखता है, समझ नहीं पाता है कि चांद कहाँ है क्या है। तो ठीक उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया जाता है, और विशेष रूप से जब उनके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, तो एक कोई उपयुक्त तुलना या उपमा प्राप्त करना संभव नहीं है। फिर भी और कोई चारा नहीं है ना, तो शाखा चंद्र न्याय का उपयोग करके ऐसे कभी कभी तुलनाएं की जाती हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों को और दिव्य रूप को समझने के लिए समर्थ नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को भी एक अवसर मिल जाता है श्री कृष्ण के गुणों को समझने के लिए। तो वैसे भक्ति रसामृत सिंधु में ही रूप गोस्वामी कहते हैं, मधुरिमा जो मुरह अंतु मधुरिमा, ये जो मुरारी हैं, ये किस प्रकार के मधुरता को, मिठास को व्यक्त कर रहे हैं, उनके रूप को, उनका रूप जो है वो किस प्रकार के मधुरता को व्यक्त करता है, उनका जो चेहरा है मुखम चंद्राकारम, चंद्र का आकार उनके मुख का है, तो चंद्र की भांति उनके मुख का सौंदर्य है। वैसे भौतिक जगत में पूर्णिमा का चांद बहुत सुंदर माना जाता है ना, खास करके शरद पूर्णिमा की जो रात्रि का चांद। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि प्रवचन में मैं सुन रहा था कि वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग शरद पूर्णिमा के रात्रि को ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि चांद की किरणों से ताजमहल बहुत अच्छा सुंदर लगता है। तो खैर कृष्ण से जब संबंधित नहीं है तो क्या
फायदा इन चीजों का। फिर भी चांद का सौंदर्य ये संसार में माना जाता है, कविताओं में, गानों में, है ना, तो सब कुछ खिल जाता है, रात की रोशनी चांद की होती है तो सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। तो इसलिए यहाँ पे मुखम चंद्राकारम, तो फिर गर्भनाभम उरुद्वयम इदम, तो उनके जो जंघाएं हैं वो एक हाथी के सूंड के समान है, उनकी जो भुजाएं हैं वो खंभों की तरह, भुजौ स्तंभारंभ, उनकी भुजाएं वो स्तंभों की तरह समान शक्तिशाली हैं। सरसिज वर्णेयम करयुगम, तो उनके हाथ जो हैं वो कमलों के लिए भी वो प्रशंसनीय है, और उनकी जो छाती है वो एक द्वार के समान चौड़ा है, और उनका जो कटी प्रदेश है, कटी प्रदेश भी बहुत विशाल है, परंतु उनका कमर जो है फिर बहुत चौड़ाई में कम है। इस प्रकार से श्री कृष्ण के सुंदर रूपों का लक्षण, रूपों का वर्णन रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे करते हैं। तो जीव गोस्वामी पाद यहाँ कहते हैं कि हमें समझना चाहिए ऐसे दृष्टांतों में या उपमाओं में कि ऐसी जो तुलनाएं की जाती हैं कि ये सारे भगवान के आध्यात्मिक विभूतियां उनके लीलाओं में शामिल हो रही हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप या शरीर का उल्लेख यहाँ पर रूप गोस्वामी कर रहे हैं। शायद यहाँ पर अभी हम रुक जाएंगे, कल से हम प्रत्येक दिन लगभग 15 गुणों की चर्चा करेंगे, तो हर एक गुण की चर्चा विस्तार में नहीं हो पाएगी, नहीं तो 5 दिन में कैसे हो पाएगा। तो इसलिए हर एक दिन 5-5 मिनट एक गुण के लिए देंगे। तो इस तरह से भगवान 5 दिनों के अंत तक इन 64 गुणों का वर्णन करने का प्रयास हम करेंगे। तो कल हम ठीक 7 बजे प्रारंभ करेंगे और थोड़ा कीर्तन इस समय हम करेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण और प्रेमानंदे जय, हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक धन्यवाद, और आपका संग पुनः कल शाम 7 बजे हम पाएंगे। हरे कृष्णा।